हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल सूर्य ट्रिपल से तैयारी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट फरवरी मंथ के यानी सन 2019 फरवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपलोड किए हैं, जो आने वाले यूपी ट्रिपल एससी एसएससी लेखपाल और मंडी परिषद जैसी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आप सभी लोग पसंद आएगा, और प्लीज़ अंत तक वीडियो जरूर देखें। ये जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, अपने प्रधानमंत्री यानी श्री नरेंद्र मोदी जी को सियोल शांति पुरस्कार जो शांति के लिए दिया जाता है, तो 22 फरवरी सन 2019 को इस साल सन 2019 फरवरी मंथ में श्री नरेंद्र मोदी जी को सियोल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, सियोल शांति पुरस्कार सन 2019 किसे मिला? तो ये मिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। इससे संबंधित और बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियोल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें सियोल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उससे पहले यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान और बान की मून, मतलब बान की मून और अन्नान जो संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव हैं, उनको मिला है। ये इमेज आप देख सकते हैं। और ये जो है ये 14 सियोल पीस पुरस्कार एकेडमी है, यानी कि 14वां सियोल पीस प्राइज अवार्ड श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। संस्करण ये है 14वां। और ये पुरस्कार मोदी जी को वसुधैव कुटुंबकम यानी कि विश्व शांति का आगाज करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड मिला है। और बात करें, ये 14वें व्यक्ति हैं, ये तो आप पहले जानते हैं, 14वां सम्मेलन हुआ है। और इस पुरस्कार की स्थापना, ये बेहद इम्पोर्टेंट है, 24वें ओलंपिक खेलों की सफलता के जश्न में 1990 में की थी। सन 1990 में 24वें ओलंपिक खेल की सफलता पर सन 1990 में सियोल शांति पुरस्कार की स्थापना की गई थी, जिसे पहले बता चुके संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान और जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल जैसे जानी मानी हस्तियों ने इसे प्राप्त किया है। और कहाँ आयोजित हुआ है, कहाँ इसे मतलब स्थापना की गई थी, तो 1990 में सियोल में किया गया। और बात करें, अपने भारत देश में वंदे मातरम एक्सप्रेस श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई ये ट्रेन भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच कारखाना चेन्नई ने किया। यानी कि वंदे मातरम एक्सप्रेस जो ट्रेन है, इसका बनाया किसने, निर्माण किसने किया है, तो चेन्नई की कारखाना जो है इंटीग्रल कोच ने किया है। यहाँ पर हम एक कोट्स आपको दिखा दे रहे हैं कि सतत सीखना कामयाबी का मंत्र, यानी कि हम सभी लोग अगर सतत सीखते रहें, सतत नए नए चीज़ें जानकारी करते रहें, सफलता निश्चित है और सफलता जरूर मिलेगी। अगला है, दैनिक जागरण को आज राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे गडकरी। यानी कि जल को स्वच्छ बनाने के लिए जो एडवर्टाइज निकाला गया है दैनिक जागरण के द्वारा, तो ये जो है आकर्षक है, इफेक्टिव है। इस कारण जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं, उनके द्वारा दैनिक जागरण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसका शुभारंभ जो है गुरु गोरक्षनाथ की पावन नगरी गोरखपुर, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी द्वारा गोरक्षनाथ यानी गोरखपुर में शुरू की जाएगी। और ये 9888 करोड़ की विकास परियोजना का लोकार्पण होगा, यानी जनपद गोरखपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ, तो गोरखपुर से हुआ। और केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, वो राधा मोहन सिंह है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर एक कोट देख पा रहे हैं, एक सफल व्यक्ति हमेशा कुछ अच्छा हासिल करने के लिए प्रेरित होता है, ना कि किसी को पराजित करने में। अगला है, 25 फरवरी सन 2019 को केंद्रीय रेल
मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे की नई वेबसाइट की शुरुआत की है। तो 25 फरवरी 2019 को केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा रेलवे की नई वेबसाइट शुरू की गई। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रेल दृष्टि, https://raildrishti.kisses.org, यानी कि रेल दृष्टि नई वेबसाइट है। अगला है, वर्ष 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? सन 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार योहेई ससाकवा को दिया गया है, इससे पहले गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया था। वर्ष 2017 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? वो दिया गया एकल अभियान ट्रस्ट को। अगला, 25 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। अगला है ऑस्कर पुरस्कार 2019, यानी ऑस्कर 2019 पुरस्कार में किसका किसका नाम आया है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो बेस्ट फिल्म ग्रीन बुक है, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल रामी मालिक है, बेस्ट एक्ट्रेस इन ए लीडिंग रोल कौन है, ओलिविया कोलमैन। यहाँ पे ये बन जाएगा ऑस्कर पुरस्कार 2019 में बेस्ट फिल्म कौन है, ग्रीन बुक है। अगला है, किस राज्य में भारत का 17वां मेगा फूड पार्क शुरू किया गया है? 17वां मेगा फूड पार्क जो है त्रिपुरा में शुरू किया गया है। सियोल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, हम पहले बता चुके हैं, 2018 का सियोल शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला है, फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया वर्तमान में नेपाल में किया जा रहा है। किसे BCCI के पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो डी डी के जैन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का लोकपाल नियुक्त किया गया है। अगला है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी 20 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा देश 18 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA में शामिल होने वाला 72वां देश बन गया है? तो अर्जेंटीना देश जो है वो 72वां देश बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है। हाल ही में किस देश द्वारा फतेह नाम की पनडुब्बी का जलावतरण किया गया? तो ईरान है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग जरूर पढ़िएगा और नोट करिएगा, आने वाले एग्जाम में आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 फरवरी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? PC मोदी को। एक नया परीक्षण किया गया है जिसमें दिखाया गया 30 किलोमीटर तक सतह से हवा में, यानी कि पृथ्वी से हवा में मार करने वाली सक्षम है QRSAM। नया परीक्षण कल किया गया है जो 30 किलोमीटर तक सतह से हवा में मार कर सकता है। भारत पाकिस्तान चल रहे भारी तनाव के बीच मंगलवार को भारतीय सेना ने क्विक रिस्पांस सर्फेस मिसाइल का नाम क्या है? क्विक रिस्पांस सर्फेस टू एयर मिसाइल का लगातार दो बार परीक्षण किया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योगी आदित्यनाथ द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज हरदोई में इसका शिलान्यास किया है? तो ये क्वेश्चन बन सकता है, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज हरदोई। ये थे आज के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू टू ऑल।